हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी और अभी हम लोग पूरा कैंपस टूर करेंगे। गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है, उदयपुर का सबसे पुराना और सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूँ करियर कोच। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आज हम आए हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, जो कि गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ इस बिल्डिंग जो कि ऑडिटोरियम है, इसके जस्ट पीछे गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है और ये 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पहले ये RUHS से एफिलिएटेड था, इसलिए स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन वगैरह सब चीज़ों का यहीं से, उनको कोई बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की, पूरी बिल्डिंग वहां तक मेडिकल कॉलेज की, और उसके आगे गीतांजलि जो हॉस्पिटल है, जो कि 1360 बेड का हॉस्पिटल है, वो है। हॉस्पिटल और कॉलेज को पूरा डिटेल में अंदर से दिखाने वाला हूँ आपको, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में सारे अपडेट्स यहाँ देने वाला हूँ। इसके अलावा जो आउटसाइड स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन अलग तरह की सीट्स हैं, 10 सीट्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लिए है, इसके अलावा मैनेजमेंट सीट्स हैं और जो लोकल स्टूडेंट्स के लिए है, तीनों तरह की सीट्स हैं, उसके बारे में भी डिटेल बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं कि काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है, स्टाफ भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। और कोई और अपडेट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्राइवेट रूम्स, ब्लड बैंक है इस साइड में, और यहाँ पर IVF सेंटर है। फिलहाल हम गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर है और आप देख सकते हैं बहुत विशाल कैंपस है यहाँ का। गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 2008 में, और आज के दिन में अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 250 सीट्स हैं टोटल अंडर ग्रेजुएट यानी कि MBBS में। लेकिन 2014 के बाद ये गीतांजलि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो गया, और इसीलिए इनके पास अपना ऑटोनॉमी भी है, डिसीजंस लेने का फ्रीडम भी है, और इसीलिए बच्चों का सक्सेस रेशो, यानी यहाँ पर जो बच्चे जल्दी एग्जाम्स क्लियर कर पाते हैं या जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं, उनका रेशो बहुत अच्छा है। अब मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ, वहाँ से राइट हैंड साइड में पूरा हॉस्पिटल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मेडिकल कॉलेज है। तो टोटल हॉस्पिटल के अंदर 1360 बेडेड ये हॉस्पिटल है, जिसमें 50 बेडेड प्राइवेट रूम्स हैं, 15 बेडेड सेमी प्राइवेट रूम्स हैं, 930 जनरल वार्ड्स हैं। तो ह्यूज है हॉस्पिटल और काफ़ी अच्छी बेड कैपेसिटी भी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 55 बेडेड ICU और ICCU, 55 बेड काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है ICU की भी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% बेड ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह का OPD के अंदर पेशेंट फ्लो है। पेशेंट फ्लो भी ह्यूज है, तो जो स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है क्लिनिकल का। अब आप देख रहे हैं ये जो कैंपस इस समय पर है, बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीच में है, और सबसे पुराना उदयपुर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो कि मेन अहमदाबाद हाईवे के ऊपर ही पड़ता है। तो सबसे पुराना हॉस्पिटल और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज होने की वजह से इसकी अपनी एक बहुत अच्छी साख है। राजस्थान के अंदर टॉप 2 मेडिकल कॉलेजेस अगर बोलें तो ये और महात्मा गांधी है, और अगर उदयपुर जोन की बात करें तो उदयपुर जोन में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज हम इसे कह सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी है। तो ये है गीतांजलि यूनिवर्सिटी की बहुत ही विशाल लाइब्रेरी, और आप देख सकते हैं अंदर रीडिंग रूम है जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स अंदर बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं। ई लाइब्रेरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 50,000 से ज्यादा बुक्स और जर्नल्स इस लाइब्रेरी में है। देखिए आप कितनी विशाल लाइब्रेरी है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी काफी सीट्स हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइब्रेरी, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसीलिए गीतांजलि यूनिवर्सिटी या गीतांजलि मेडिकल कॉलेज का इतना नाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये नो रैगिंग कैंपस है, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट को रैगिंग के नाम पे ह्यूमिलेट ना किया जाए। आप कहाँ से आए हो? सूरत। सूरत से? ओहो, गुजरात। सो गुजरात से काफी स्टूडेंट आते हैं गीतांजलि में, क्या कारण रहा आपको गुजरात से राजस्थान में आने में? वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं? नहीं, गीतांजलि में बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करवाते हैं, और ऐसे वो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, नहीं यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट से करवाती है। करवाती है, ये स्पेशल। नहीं, हमने भी यही सुना था, और
अभी हम लोगों ने कॉलेज भी विजिट किया, लोग काफी कॉलेजेस विजिट करके आए, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वाकई में क्वालिटी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टनेस चाहते हैं बच्चे? आप लोग चाहते हो स्ट्रिक्टनेस? सीखने को मिलता है बहुत। सीरियस बात है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन होता है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है। और अभी हम लोग इतना स्ट्रगल करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, 2-3 साल कोचिंग करना, उसके बाद आपने की थी कोचिंग, कितने साल की थी? 2 साल, 11th and 12th। ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि बहुत ज्यादा साल तक आप किसी समय पे स्ट्रगल करो कि सीट्स भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर राजस्थान गुजरात के काफी स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये है यहाँ का ऑडिटोरियम, नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम, काफी अच्छा ऑडिटोरियम, स्टूडेंट्स का कहना है कि काफी अच्छा ऑडिटोरियम है अंदर से। और ये है गीतांजलि यूनिवर्सिटी एडमिन ब्लॉक, ये है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, ये है यहाँ की सेंट्रल मेस, सभी स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए यहीं आते हैं, ये है बॉयज हॉस्टल, ये सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं, सभी में इंडिविजुअल रूम्स अवेलेबल है और हॉस्टल की फीस है 2 लाख रुपीज़ पर एनम। खाना सभी को यहाँ सेंट्रल मेस में खाना होता है। 35 एकड़ लैंड के ऊपर फैला हुआ ये विशाल कैंपस, अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये हम देख रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल, कैंपस का एक्सपेंशन हो रहा है, ये पीजी हॉस्टल्स हैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ये बीच का कैंटीन एरिया जहाँ बच्चे कुछ चाय पानी लेते रहते हैं बीच बीच में और रेस्ट लेते रहते हैं। ये है गीतांजलि कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि सेम कैंपस के अंदर ही है, और ये है यहाँ का सेंट्रलाइज्ड लॉन्ड्री। तो ये था हमारा आज का अपडेट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के बारे में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में कॉलेज से जुड़े हुए हर एक एंगल को मैं आपको दिखा सकूं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कॉलेज है, राजस्थान के टॉप 2 कॉलेजेस में इसका नाम लिया जा सकता है। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं और आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैट कम्युनिटी का लिंक डाल रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप चैट है, इसे आप क्लिक करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। नीट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या अपडेट्स के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर अपडेट्स भेजते हैं, तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैं और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो कि राजस्थान के हैं, बाहर से बहुत स्टूडेंट्स उसमें उसकी जानकारी लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन सबके अपडेट्स मैं यहाँ डालने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।